तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है, पेपरलेस वाला कार्ड है दोस्तों, और वो फट चुका है, अगर किसी तरीके से उसमें कुछ अक्षर आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरीके से आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे ख़राब हो चुका है, तो उसे आप नया पीवीसी वोटर कार्ड में कैसे मंगवा सकते हैं घर बैठे दोस्तों, सिर्फ हमारे कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करें, ताकि सरकारी योजना से कोई भी जुड़ी वीडियो आपसे वंचित ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले चलते दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में आ चुके हैं, और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद सबसे पहला काम दोस्तों हमें इसे डेस्कटॉप साइड मोड पर कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइड मोड पर कर लेने के बाद सारी वेबसाइट प्रॉपरली तरीके से ओपन होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम सर्च बार में यहाँ पे टाइप करेंगे nbsp.in। तो nbsp.in यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आपके साइट पे आने के बाद यहाँ पे एक नया पेज मिल जाता है, जिसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वोटर पोर्टल बेटा। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद अब हमें यहाँ पर लॉग इन हो लेना होगा। लॉगिन होने का तरीका यहाँ पे दो तरीके से पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे एक कैप्चर कोड भरने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर आपने अगर आईडी पासवर्ड नहीं बनाया तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके बनाना पड़ेगा दोस्तों। वहीं पर दूसरा ऑप्शन दोस्तों जो कि सोशल मीडिया लॉगिन दिया गया है, तो सोशल मीडिया लॉगिन यहाँ पर सबसे बेटर तरीका रहता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि सोशल मीडिया लॉगिन यहाँ पे हो रहा है या नहीं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि दोस्तों कि वोटर पोर्टल के जरिए यहाँ पे देखें, सॉरी फॉर इनवाइसेंसेस वी हैव डिसेबल सोशल मीडिया लॉगिन टेम्प्रोरली। तो मौके पर दोस्तों यहाँ पे सोशल मीडिया के तरीके से लॉगिन करना यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया है। तो प्रॉपरली दोस्तों आपको पहला मेथड ही अपनाना होगा। तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे OTP आएगा दोस्तों। OTP फिलअप करने के बाद जो है हमें इसमें लॉगिन एक अकाउंट बनाना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये कोड आप यहाँ पे आ चुका है, और कोड यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों देखिए कोड यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, तो जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो आपके सामने इस तरीके का जो होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो कोड डालने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे एक आपको नया पासवर्ड डालना होगा, पुनः वही पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर डाल करके यहाँ पर इस वाले बटन पर चेकमार कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से इस तरीके से आसानी से आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। पासवर्ड बनाते वक्त दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर में रहेगा, बाकी सब कुछ नंबर और अल्फाबेट कुछ स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद एक कैप्चर कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ देख सकते सक्सेसफुल लॉग इन यहाँ पे हम हो चुके हैं वोटर पोर्टल पर, और यहाँ पे दोस्तों वेलकम वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सारा प्रोसेस यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ देखेंगे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपका एक प्रोफाइल डिटेल मांगेगा, जिसमें आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है दोस्तों, सरनेम है तो डालना है, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, प्रोफाइल अपना बना लेंगे, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखें जिस भी नाम से आपने यहाँ अपना प्रोफाइल बनाए हैं वो नाम शो हो जाएगा। उसके बाद लेट्स स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर। तो आपके पास यदि वोटर आईडी नंबर पहले से है तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यस। अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। मेरे पास वोटर आईडी नंबर है तो यहाँ पर मैं सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक कर लेता हूं, और यहां से अपना IPIC नंबर डालने के बाद फेस डिटेल पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहां पे हमारा डिटेल जो है वेरीफाई हो चुका है, और यहां पे फॉर्म प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। आगे हमारा दोस्तों जो है IPIC नंबर के थ्रू हमारी जितनी भी जानकारी है यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू फॉर रिप्लेसमेंट वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे नीचे। तो यहाँ पे अब दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हमें एक मोबाइल नंबर डाल करके
OTP उस पर कंप्लीट करके प्रोसेस को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। OTP डालने के बाद यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि रीज़न आपको मांग रहा कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड जो है किस लिए दोबारा मंगवा रहे हैं, उसे रिप्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो दोस्तों। आप गूगल ट्रांसलेट के जरिए वहाँ पे हिंदी में टाइप करके इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें लिख देना दोस्तों यहाँ पे रीज़न डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप में दोस्तों यहां से आपको पूछा जा रहा है चूज ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड, यानी कि दोस्तों आप अपना वोटर आईडी कार्ड किस तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम BRC एंड CSC, यानी कि CSC के थ्रू दोस्तों अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले क्लिक करेंगे। दूसरा है आई विश टू रिसीव माई वोटर आईडी कार्ड बाई पोस्ट, यहाँ पर अगर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप चाहते हैं तो यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन यहीं पे हमें देखने को मिल जाता है आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम BLO, अगर आप अपने BLO के द्वारा यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस के जरिए आप आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर BLO के थ्रू आना चाहते हैं दोस्तों तो इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम थर्ड वाला ऑप्शन जो है यूज करते हैं दोस्तों। अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस के भी थ्रू जो है पा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे यू विल कलेक्ट योर वोटर आईडी फ्रॉम योर बूथ लेवल ऑफिसर, टू नो योर BLO डिटेल प्लीज़ जो है चेक योर प्रोफाइल पेज। तो BLO का नंबर वगैरह आप उनसे संपर्क जो है अगर नहीं जानते तो BLO का नंबर कैसे निकालते दोस्तों, मैंने वीडियो बना रखा है उस पर, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो पोस्ट के जरिए करेंगे तो अगर यहाँ पे पोस्ट के थ्रू करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको ₹30 का चार्ज जो है देना पड़ेगा जब आपकी डिलीवरी करेगा पोस्टमैन आपके घर पर। तो वो दोनों तरीके जो है काफ़ी बेटर है दोस्तों, यहाँ पर BLO से कर लें या फिर पोस्ट के जरिए कर लें। तो यहाँ आप आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको ऑफलाइन पेमेंट ही करना है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑफलाइन को पेमेंट करना है ₹30 का, वैसे भी यहाँ पर भी आपको पेमेंट करना होगा ₹30 का। तो चलिए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, आपने जो जो भी फॉर्म में चेंजिंग की है क्या क्या आपने किया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल देखने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म यहाँ पे जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ देख पाएंगे कि यू विल सेंड योर रेफरेंस आईडी एक्नॉलेजमेंट आईडी टू योर रजिस्टर मोबाइल एंड ईमेल सबमिट अप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखें आपके ईमेल पर भी जो है ये आईडी नंबर जो है रेफरेंस आईडी नंबर भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे जो है बड़ी आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।